हिमाचल के ज्वाली में कुछ लोग कोरोना महामारी को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होना और मास्क ना लगाना आम देखने को मिल रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। हालांकि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि COVID-19 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क पहनना जरूरी कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसका पालन नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंस की तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा, बसों में भी भीड़ देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। वहीं सरकार द्वारा बसों के किराए बढ़ा दिए गए। एक तरफ कुछ लोग विपक्षी दल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता की मजबूरी है, उन्होंने तो बसों में आना जाना ही है, इसका जवाब जनता चुनावों में देती है। बढ़े हुए किराए से जनता परेशान है, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि ट्रेन बंद है, इसीलिए मजबूरन लोगों को बसों में सफर करना पड़ेगा। बताते चले कि निजी तथा सरकारी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि कोई कोरोना मरीज इस भीड़ में आ गया तो फिर क्या होगा, खुद सोचें। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।